क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो, उसके फिर हम क्या है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि आपको ना फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू प्रोवाइडेड है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू प्रोवाइडेड है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है एपी की। तो इसको लिखने से पहले हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने ये पढ़ा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज A1, A2, A3, A4, राइट? A1, A2, A3, A4, जहां पर हमारी जो A1 है वो क्या है फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म एंड A3 इज द थर्ड टर्म और A4 क्या है फोर्थ टर्म। अगर आपको इसको A और D की वैल्यूज में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, A1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2 कैसे हो सकता है A+D, A3 को आप कैसे लिख सकते हो A+2D और A4 को कैसे लिख सकते हो A+3D। देखो इनको मैंने कैसे लिखा है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर आपको A2 लिखना है तो जो इसके सबस्क्रिप्ट में होता है ना उससे एक कम ऐड करना होता है आपको D में। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से एक कम क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का D ऐड। यहाँ पर देखो A3 है, सबस्क्रिप्ट में क्या है 3 से एक कम ऐड करना है तो 3 से एक कम क्या हो गया 2D। इसी तरीके से जो A4 है उसमें भी आपको एक कम ऐड करना है तो 4 से एक कम क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या हो गया A+3D। देखो जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रखा है कि आपके पास A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है। तो आपको जनरल फॉर्म पता है AP की, जैसे ही आपको जनरल फॉर्म पता लग जाए AP की तो उसके बाद क्या करोगे A और D की वैल्यूज पुट कर दोगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको A की वैल्यू भी 10 दे रखी है और D की वैल्यू भी क्या दे रखी है 10 दे रखी है। तो A की जगह आपने 10 पुट किया, दिस इज ऑल्सो 10, 10+10, नेक्स्ट 10+2 इंटू डी की वैल्यू 10, 10+3 इंटू डी की वैल्यू 10, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 10, 10+10 क्या होता है 20, 10+2 इंटू 10 20, 10+3 इंटू 10 क्या होता है आपके पास 30। अब देखो ये क्या बना 10+20 क्या हो गया 30 और 10+30 क्या हो गया 40। तो ये आपकी फर्स्ट फोर टर्म्स होगी एपी की, जब आपको ए की वैल्यू भी 10 दे रखी थी और डी की वैल्यू भी क्या है 10 दे रखी थी, ठीक है। तो ए क्या है आपका A1 की वैल्यू है और A1 की वैल्यू कितनी आई है 10। इन द सेम वे A2 कोई आपसे पूछे तो 20, A3 पूछे तो 30 और A4 पूछे तो 40, ठीक है। आगे देखो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, इस बार ना आपको A और D की वैल्यू बदल दी है, A की वैल्यू है आपके पास -2 और D की वैल्यू है 0, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम अप्रोच है, सिर्फ आपकी A और D की जो वैल्यूज है वो चेंज हुई है। देखो आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो कि वी नो दैट द जनरल फॉर्म जो होती है एपी की दैट इज A1 A2 A3 A4। अब A1 को कैसे लिखते हो आप, A2 क्या है A+D, A3 A+2D और A4 क्या है A+3D। अब आपके पास A की वैल्यू दे रखी है -2 और D की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो आपको A की वैल्यू और D की वैल्यू को क्या करना है इसके अंदर पुट करना है। तो चलो पुट करके देखते हैं, A की वैल्यू है -2, A की वैल्यू रखनी है -2 प्लस D की वैल्यू 0, A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, ठीक है। अब देखो ये हुआ -2, -2+0, किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो नंबर अपने आप आ जाएगा। तो -2+0 देखो इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि माइनस प्लस क्या होता है, -2 में से 0 गया कितना आया आपके पास 2। साइन कौन सा होता है लार्जर नंबर के आगे, लार्जर नंबर क्या है 2 और 0 में से 2 है, 2 के आगे क्या है नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन, ठीक है। आगे देखो -2+2 × 0, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 2 × 0 क्या हो गया 0, -2+3 × 0 क्या हुआ 0। आगे देखो ये बना -2, -2, -2+0 क्या हुआ आपके पास -2, -2+0 कितना है -2। तो ये है आपकी फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, जब आपको ए की वैल्यू -2 दे रखी हो और डी की वैल्यू क्या दे रखी हो 0 दे रखी हो, ठीक है। अब देखो जो इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको इन्होंने क्या दिया है कि ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है -3। आपको सेम अप्रोच लगानी है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लिखो सबसे पहले, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में आपको क्या करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है, तो A1, A2, A3, A4 लिख दो, उसके बाद क्या करो खोल दो A और D की टर्म्स में। तो जैसे ही आप खोलोगे आपका जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से आएगी,
ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी, ठीक है। अब आपको ए की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 3, चलो पुट करते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 4 कोमा ए क्या है 4 प्लस डी की वैल्यू माइनस 3, ठीक है। अब देखो कोमा ए की वैल्यू 4 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको माइनस 3, कोमा ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म तो आ गई आपके पास 4 एज इट इज। अब देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बना आपके पास 4 माइनस का 3, आया समझ। आगे देखो 4 प्लस 2 3 का कितना होता है 6 और इसके आगे क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। फिर देखो 4 प्लस 3 3 का कितना होता है 9, साइन कौन सा इसके आगे माइनस का, तो माइनस आपको लिखना है, हटाना नहीं है ऐसे साइन। देखो 4 कोमा 4 माइनस 3 कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हैं, हमें साइन को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो गया 4 माइनस का 6 कोमा ये क्या हुआ प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 9। अब देखो ये बना आपके पास 4 कोमा 1 कोमा 4 माइनस 6 क्या हुआ आपके पास माइनस का 2 और 4 माइनस 9 कितना हुआ आपके पास माइनस का 5, ठीक है। 4 माइनस 9 को मैंने माइनस 5 कैसे लिखा है देखो 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 4 है, तो प्लस 4 माइनस का 9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 4 गया 5, साइन कौन सा आता है लार्जर नंबर वाला, लार्जर नंबर 9 है उसके आगे क्या है माइनस का साइन, तो प्लस 4 माइनस 9 कितना हुआ माइनस 5, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, समझ गए हो। सो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है एपी की, दीज आर 4 1 माइनस 2 माइनस 5 व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3, गॉट इट। देखो अब इसी प्रोसीजर में जो फोर्थ पार्ट है उसको करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, सेम आप जनरल फॉर्म लिखो एपी की, आपको फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है तो A1, A2, A3, A4 लिख दो, उसके बाद उसको A और D की टर्म्स में खोल दो, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू -1 दे रखी है और D की वैल्यू 1/2 दे रखी है। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखो AP की, A1, A2, A3, A4 और उसको खोल दो। A की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 कोमा माइनस 1 प्लस D की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 कोमा माइनस का 1 प्लस 2 कितना है ये 2D है ना, तो 2 इनटू में D की वैल्यू है 1/2 कोमा ए की वैल्यू माइनस 1 प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है, समझ गए। अब वैल्यू पुट कर दिया, हमारा क्या काम है सॉल्व करना, माइनस 1 कोमा माइनस 1 प्लस 1/2 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 प्लस 1/2, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जिसके नीचे कुछ ना हो आप क्या लगाओगे 1 लगाओगे, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 2, 1 के टेबल पे 2 किस पे आता है 2 इंटू माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2 प्लस 2 के टेबल पे 2 किस पे आता है 1 पे, 1 इंटू 1 क्या हुआ 1। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 और इसके आगे साइन जो होता है बड़े वाले के आगे का आता है, 2 लार्जर नंबर है 1 से तो 2 के आगे माइनस का साइन है, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। तो माइनस 1 प्लस 1/2 की जगह मैं माइनस का 1/2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर लिखो माइनस का 1/2, ठीक है। आगे देखो माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1 बचा कोमा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 2, आगे इतना समझ। आगे देखो क्या करना है, माइनस का 1 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 1 प्लस 1 0 और ये देखो माइनस 1 प्लस 3/2, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने माइनस 1 प्लस 1/2 को सॉल्व किया। देखो माइनस का 1 प्लस का 3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप क्या लगाते हो 1 लगाते हो, 1 और 2 का एलसीएम क्या हुआ आपके पास 2, 1 के टेबल पे 2 किस पे आता है 2 पे, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 प्लस 2 के टेबल पे 2 किस पे आता है 1 पे, 1 इंटू 3 क्या हुआ 3, तो माइनस 2 प्लस 3 1 अपॉन 2, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 3/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2, तो आपके पास 4 टर्म्स आ गई एपी की, माइनस 1 माइनस 1/2 0 1/2, ये कब आई है एपी की, जब आपको ए की वैल्यू दे रखी हो माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी हो आपको 1/2, ठीक है। इसी सीरीज में अब जो लास्ट पार्ट है आई होप आप उसको खुद कर सकते हो, क्योंकि हमने एक ही तरह के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो फिफ्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में आपको ए की वैल्यू माइनस का 1.25 दे रखी है और डी की वैल्यू माइनस का 0.25 दे रखी है, हम सेम मेथड से अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखो एपी की, A1, A2, A3, A4 और फिर क्या करना है आपको उसको ए और डी की टर्म्स में खोलो एंड आफ्टर दैट आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 1.25,
ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। कॉमा माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास माइनस का 0.25, ठीक है। कॉमा फिर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब हमारा काम क्या है सॉल्व करना। तो माइनस 1.25 फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी। अगली देखो, माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 0.25, ठीक है। अब देखो, कोमा माइनस का 1.25 प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस, और 2 इंटू 0.25 क्या होता है 0.50, ठीक है। कोमा माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.75, हो गया। आगे देखो, आपको क्या करना है जस्ट सॉल्व करना है। तो ये तो बना आपके पास माइनस का 1.25, अब है माइनस 1.25 माइनस का 0.25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, चलो प्लस करके देखते हैं। 1.25 में आपको क्या ऐड करना है 0.25 ऐड करना है, ध्यान रखना डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है। तो 5 और 5 10, 0 कैरी गया 1, 2 2 4 और 1 5, 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1.50, बट प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि जो इन दोनों में से बड़ी टर्म है वो क्या है 1.25 और उसके आगे साइन कौन सा है माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, अब की बार 1.25 माइनस का है और माइनस का 0.5 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1.25 में आपको क्या ऐड करना है 0.50 है, चलो ऐड करते हैं 1.25 और 0.50 ऐड करोगे तो 5 और 0 5 2 5 7.1 और 0 1.75 आ गया, प्लस आएगा माइनस का आएगा माइनस का आएगा, क्यों 1.25 और 0.50 में से कौन सा बड़ा है 1.25 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो, कोमा माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 इसको और ऐड करके देख लेते हैं ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाए। देखो 1.25 और 0.75 5 और 5 10 कैरी गया 1, 7 और 2 9 9 और 1 10, 0 कैरी गया 1 1 और 1 2, तो 1.25 और 0.75 को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2.00, साइन कौन सा आएगा माइनस का, इसको जरूर ध्यान रखना, अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो जो क्वेश्चन है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों टर्म्स निकाल ली एपी की, जब आपको क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 1.25 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 0.25, ठीक है। अब देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, उस थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि ना आपको अब एपी प्रोवाइडेड है, जब आपको एपी प्रोवाइडेड हो तो आप फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे लिखते हो, जस्ट रिवर्स है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ए और डी की वैल्यू दे रखी थी और हमसे कहा था कि जो है आप चारों टर्म्स लिख दो, हमने लिख दी। अब हमें उल्टा दे दिया, उन्होंने हमें एपी दे दी और हमें क्या कहा है कि आप ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। देखो जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कौन सी एपी दे रखी है, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 3 1 -1 -3, ठीक है। आपको वैल्यूज दे रखी है 3 1 -1 -3, ये दे रखा है और आपको क्या कह रखा है कि ए की वैल्यू बताओ और डी की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर देखूं तो ये क्या है मेरी ए वन, दिस इज द ए टू, दिस वन इज ए थ्री एंड लास्ट वन इज ए फोर, A1, A2, A3, A4। मुझे ये पता है कि जो A1 होता है दैट इज इक्वल टू A, है ना, फर्स्ट टर्म होती है तो फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 3, तो मेरे को A की वैल्यू पता लग गई। उसके बाद इन्होंने मेरे को क्या कहा कि कॉमन डिफरेंस बता दो, चलो कॉमन भी बता देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 - A1 कर लो या A3 - A2 कर लो या A4 - A3 कर लो, ठीक है। हम सबसे पहले A2 - A1 करते हैं, A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 - 3 आपके पास क्या हो गया माइनस का 2, तो यहां से आपके पास D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं D की वैल्यू को, देखो D दोबारा निकालते हैं। अब क्या करते हैं हम इस अब की बार A3 - A2, ठीक है। A3 कितना है आपको गिवन, A3 की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस, A2 की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 - -1 कितना होता है माइनस का 2, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, तो आपको यही निकालने के लिए बोल रखा था, आई होप क्लियर हो गया है। देखो अब जो थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, आपको एपी दे रखी है -5 -1 और 3 और 7, ठीक है। आपको क्या करना है सेम मेथड से अप्रोच करना है, -5 क्या है आपका A1,
ये क्या हो गया ए टू, फर्दर इट इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर, राइट। अब हमें पता है कि जो ए वन होता है किसके इक्वल होता है, ए के। ए वन इज इक्वल टू ए और ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है माइनस फाइव, तो यहां से हमें पता लग गया ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस का फाइव। देखो जब हम डी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम ए टू माइनस ए वन करेंगे या ए थ्री माइनस ए टू करेंगे या क्या करेंगे ए फोर माइनस का ए थ्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए टू माइनस ए वन करते हैं विच इज इक्वल टू ए टू की वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव, ठीक है। अब देखो माइनस वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस वन प्लस फाइव तो कितना हो गया माइनस वन प्लस फाइव प्लस माइनस माइनस, फाइव में से वन गया फोर, साइन कौन सा आता है लार्जर नंबर के आगे, वन और फाइव में से लार्जर नंबर कौन सा है फाइव, फाइव के आगे क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस का फोर, ठीक है। एक बार वो डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ए थ्री माइनस ए टू वाले फॉर्मूले से। अब देखो आपको ए थ्री कितना दे रखा है थ्री, माइनस ए टू की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का वन, ठीक है। थ्री माइनस माइनस क्या होता है प्लस, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, तो डी की वैल्यू कितनी आई फोर। अब देखो जो इसी सीरीज में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिखो और जल्दी से मेरे को ए की वैल्यू बताओ कितनी आई है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, राइट डाउन द स्टेटमेंट, वन बाय थ्री, फाइव बाय थ्री, नाइन बाय थ्री एंड थर्टीन बाय थ्री, वन बाय थ्री, फाइव बाय थ्री, नाइन बाय थ्री एंड थर्टीन बाय थ्री, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास ए वन इट इज ए टू, दिस वन इज ए थ्री एंड दिस वन इज ए फोर। हमें पता है जो ए वन होता है किसके इक्वल होता है ए के, ए वन इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो हमें यहां से ए की वैल्यू मिल गई वन अपॉन थ्री आई, डी की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं ए टू माइनस का ए वन, ठीक है। ए टू की वैल्यू कितनी है आपके पास फाइव बाय थ्री माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है वन बाय थ्री, आ गया समझ। अब देखो फाइव बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री एलसीएम ले लें, थ्री और थ्री का एलसीएम थ्री, थ्री के टेबल पे थ्री किस पे आता है वन पे, वन इंटू फाइव क्या हो गया फाइव, माइनस थ्री के टेबल पे थ्री किस पे आता है वन पे, वन इंटू वन कितना हुआ वन, तो फाइव माइनस वन फोर, फोर डिवाइडेड बाय थ्री, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास फोर बाय थ्री। एक बार और चेक कर लें क्या आती है, देखो डी को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ए थ्री माइनस का ए टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको नाइन बाय थ्री माइनस ए टू कितना दे रखा है फाइव बाय थ्री, ठीक है। थ्री और थ्री का एलसीएम सेम मेथड लगा रही हूँ, थ्री और थ्री का एलसीएम थ्री, थ्री के टेबल पे थ्री किस पे आता है वन पे, वन इंटू नाइन कितना हो गया नाइन माइनस थ्री के टेबल पे थ्री किस पे आता है वन पे, वन इंटू फाइव क्या हो गया फाइव, तो नाइन माइनस फाइव क्या हो गया फोर बाय थ्री, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू आई वन बाय थ्री और आपके पास जो डी है उसकी वैल्यू क्या आई फोर बाय थ्री, ठीक है। देखो अब जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है दैट इज द पार्ट नंबर फोर्थ, उसकी एपी लिखो आपको क्या प्रोवाइडेड है थर्ड क्वेश्चन लास्ट पार्ट, ठीक है। उसमें देखो आपको दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ठीक है। तो ये क्या होगी आपके पास A1, A2, A3 और ये क्या है A4, ठीक है। सेम अप्रोच लगा रही है, हमें पता है कि ए वन किसके इक्वल होता है ए के, ए वन इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 0.6। डी जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू या ए फोर माइनस ए थ्री, कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ए टू माइनस ए वन लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो ए टू की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.7 माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है 0.6, 1.7 माइनस 0.6 कितना होगा चलो करके देखते हैं, 1.7 में से आपको माइनस करना है 0.6, ठीक है। तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 डेसिमल और 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1.1, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 1.1। समझ आके कैसे किया, डेसिमल के नीचे ना डेसिमल लगाओ और सीधा लिख दो डी इज इक्वल टू 1.1। एक बार और ट्राई करके देखें डी, डी कैसे निकालते हैं हम ए थ्री माइनस ए टू से भी निकालते हैं, ठीक है। अब ए थ्री की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.8 माइनस ए टू की वैल्यू कितनी है 1.7, चलो निकालते हैं 2.8 माइनस का 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है। एट में से 7 गया 1.2 में से 1 गया 1, तो ये भी क्या आ गया 1.1। तो यहां से आपको पता लगा कि आपके पास जो ए की वैल्यू है दैट इज 0.6 और डी की वैल्यू क्या है 1.1, ठीक है। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 के सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।